नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आलेख। आलेख, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि यह लेख या निबंध का ही एक प्रकार होता है, उसी का यह एक रूप होता है। लेख में किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख में आ उपसर्ग लगा दिया जाता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह लेख सर्वांग पूर्ण और सम्यक होना चाहिए। इस प्रकार आलेख गद्य लेखन की एक विधा है, यानी कि गद्य लेखन का एक तरीका है। आलेख में क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे हमारा आलेख बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाले पर उत्पन्न करे। सबसे पहला गुण ये होता है कि एक अच्छा आलेख नवीनता को लिए हुए होना चाहिए, साथ ही उसमें किसी प्रकार की बोरियत का तत्व शामिल नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाले में जिज्ञासा उत्पन्न करे ऐसा आलेख होना चाहिए। विचार बिल्कुल स्पष्ट आपके होने चाहिए, जिससे कि पाठक बेबाक होकर के आपके विचारों को पढ़ना पसंद करे। आलेख की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की आलंकारिकता या जटिलता नहीं होनी चाहिए। यह सुगम हो, सुगम यानी समझने में आसान हो, सरल हो और प्रभावी भी हो, यानी कि पढ़ने वाले को प्रभावित करे। एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इसमें मुख्य बात जो है, लिखते समय कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आगे लिखना नहीं आता या विचारों का प्रवाह रुक जाता है या एकदम से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो एक ही बात को आप रिपीट करते रहते हो। ये चीज़ इसमें अवॉइड करनी जरूरी है। आलेख में विचार होते हैं, कहानी नहीं लिखनी होती है। किसी भी जिस पर भी आप विषय पर लेख लिख रहे हो, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं वह आपको व्यक्त करना होता है, ना कि उसमें किसी कहानी का वर्णन करना होता है। कथा शैली की बजाय विवेचन शैली का प्रयोग करें, विश्लेषण शैली का प्रयोग करना चाहिए। और आलेख जो है, ज़्यादातर करंट के जो अफेयर्स चल रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं, प्रसिद्ध विषय हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या उनके कैरेक्टर्स पर भी कुछ आलेख लिखे जा सकते हैं, या कोई महत्वपूर्ण अवसर हो उस पर आलेख लिखे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बता देती हूँ, निर्णय इच्छा मृत्यु का, इस विषय पर अगर आप आलेख लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आलेख में इच्छा मृत्यु का तात्पर्य बताएंगे कि इसका आशय क्या है, इच्छा मृत्यु से क्या मीनिंग है। फिर पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप थोड़ा सा बताएंगे कि कोई व्यक्ति खुशी से मरना नहीं चाहता, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह जीना ही चाहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनके असहनीय पीड़ा के कारण वह स्वयं ही मार लेना चाहता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, इच्छा मृत्यु कहेंगे। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में भी मनुष्य को क्या मर जाने का अधिकार है। फिर हम अपने इसमें विचार व्यक्त करेंगे कि क्या है, मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए, आपके लिहाज से इच्छा मृत्यु उचित है या अनुचित है, भारत में इच्छा मृत्यु की क्या स्थिति है, क्या भारत में यह अपराध माना जाता था, अभी इसके बारे में वर्तमान कौन से नियम और कानून लागू किए गए हैं, इस बारे में हम अपने विचार लिख सकते हैं, या जो प्रेजेंट में चल रहा है वह भी लिखा जा सकता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, यह इस याचिका की सुनवाई हुई थी 9 मार्च 2018 को और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया है और इसमें किसी व्यक्ति को जीवन जीने योग्य स्थितियाँ ना होने पर मृत्यु का अधिकार दिया गया है, इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है। इसके लिए बहुत गहरी जांच और कानूनी स्थितियों में से गुजरना होगा। इस कानून की आड़ में कोई अपराधी या बदनीयत लोग उसे अपने रास्ते से हटाने का जरिया ना बना ले, इसकी भी व्यवस्था की गई है।
आशा है इससे जीवन के नरक को भोगने वाले लोगों को राहत मिलेगी। इस प्रकार से आप अपना आलेख 4 या 5 पैराग्राफ में बांटते हुए लिखेंगे और उसमें आपके विचार बिल्कुल सटीक तरीके से बताए गए हुए होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी क्लासेस के वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आप एक स्टूडेंट हैं।